हम समझते हैं कि एक दर्शक के तौर पर आपको सिर्फ मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की खबर नहीं देखनी, बल्कि ये समझना है कि असली खबर क्या है। तो एक एक करके ये भी हम जानकारियों की दस्तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे वो नाम जो इस बार मंत्री नहीं बने, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, उपेंद्र तिवारी, अशोक कटारिया, राम नरेश अग्निहोत्री, मोती सिंह, सुरेश राणा, नीलकंठ तिवारी, ये वो तमाम नाम हैं। अब किस क्षेत्र से कितने मंत्री बने, इस बारे में भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 3 मंत्री बनाए गए, यानी कि आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर देहात से भी 3-3 मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 58% नए मंत्री, जबकि 42% मंत्रियों को दोबारा शामिल किया गया है। और इसके बाद मोदी और योगी की जोड़ी को जनता ने कैसे उपयोगी माना है, इस विषय में और जानकारी हम आपको दें। उससे पहले योगी मंत्रिमंडल की पूरी कुंडली का चरित्र चित्रण ग्रह नक्षत्र देखिए। चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने बदले, तो इस बार मंत्रिमंडल में भी अपने बहुत से पुराने चेहरों की विदाई कर दी। नए चेहरों को नई सरकार में योगी आदित्यनाथ ने मौका दिया। मैं स्वतंत्र देव सिंह। मैं अरविंद कुमार शर्मा। मैं जितिन प्रसाद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सवाल है कि किस वर्ग के कितने मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो जवाब आपके लिए ये कि 22 मंत्री सवर्ण है, 20 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 8 एससी, 1 मुस्लिम, 1 सिख और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री बने। जैसे बलिया से आने वाले दानिश शेख अंसारी इकलौते मुस्लिम मंत्री यूपी में बने हैं, जिन्होंने इस बार मोहसिन रजा की सीट हासिल कर ली। सवाल नंबर 2 ये कि सवर्ण में से किस जाति से कितने लोग मंत्री बने। जवाब ये कि 7 क्षत्रिय, 7 ब्राह्मण, 4 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ और 1 खत्री, यानी कुल 22 सवर्ण मंत्री बने। सवाल नंबर 3 ओबीसी वर्ग में किस जाति से कितने मंत्री बने। जवाब में इसकी कुंडली ये निकलती है कि 4 कुर्मी, 3 जाट, 2-2 निषाद और लोधी, कश्यप, गुर्जर, तेली, पाल, प्रजापति, मौर्य, यादव, राजभर, सैनी समाज से 1-1 को मंत्री बनाया गया। सवाल नंबर 4 एससी वर्ग से कौन कौन मंत्री बना। जवाब में पता चलता है कि जाटव वर्ग के 3 और कोरी, खटी, धोबी, पासी, वाल्मीकि वर्ग से 1-1 मंत्री बनाया गया है। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जैसे बेबी रानी मौर्य जो आगरा की महापौर रही, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ी, आगरा ग्रामीण सीट पर 76,000 वोट से जीती, जाटव समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य मंत्री बनाई गयी। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगी। सवाल नंबर 5 कि वो 6 लोग कौन है जो मंत्री बन गए लेकिन अभी किसी सदन के सदस्य नहीं। जवाब है कि जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी और दानिश आजाद अंसारी ऐसे मंत्री बने हैं। सवाल नंबर 6 ये है कि इस बार कौन कौन से अधिकारी योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जवाब है कि पूर्व IAS AK शर्मा और पूर्व IPS असीम अरुण को मंत्री बनाया गया। AK शर्मा अभी MLC है, असीम अरुण कन्नौज सदर से जीते हैं। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि असीम अरुण भी दलित समुदाय से आते हैं। कन्नौज सदर सीट पर 3 बार के विधायक, समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे को मात देकर पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद पा गए। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।